subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक में मैं हूं आपका मेजबान वकार हुसैन। हबीब भाई, आज कराची की एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने आपको इश्तियारी करार देते हुए दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, यकीनन आपके इल्म में होगा। तो आपका आइंदा का क्या लायमल होगा? पाकिस्तान आकर गिरफ्तारी पेश करना चाहेंगे या अपने वकील के तवस्सुस से इस फैसले पर नजरसानी की पटिशन फाइल करेंगे? वकार, पहले तो बड़ा आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि हम आपको पता है बरतानिया 4 घंटे के डिफरेंस से हम पीछे हैं पाकिस्तान से, तो जब उठा और टेलीफोन ऑन किया तो बस ऑन होते ही दोस्तों के अहबाब के फोन आना शुरू हो गए कि आज फिर किसी अदालत ने हमें वारंट गिरफ्तारी जारी किए और क्या कहते हैं वगैरह वगैरह। अब मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि जी मैं तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, लेकिन अब अपने वतन के बारे में क्या बात कहूं। कभी कभी मैं मुस्कुराता हूं, अपने आप पे हंसता भी हूं कि जिस मुल्क में मैं रहता हूं, जिसे इंग्लैंड कहते हैं, यहां पर फ्रीडम ऑफ लाइफ है, फ्रीडम ऑफ ह्यूमन राइट्स है, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग है, लेकिन पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है, सिर्फ माली नहीं जानता कि मैं वहां नहीं था। वो जितने कत्ल हुए शहर में, जितनी बोरीबंद लाशें मिली, उन्होंने सब मेरे नाम पर डाल दी। और अभी मैं एक साल वहां रहकर आया हूं, 2018 के इलेक्शन के प्रोसेस में मैं वहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। ये 4-5 दिन पहले जेआईटी के हवाले से जब हमने बातें करना शुरू की और सच बताना शुरू किया तो दोनों बड़े ग्रुप नाराज हुए हैं। अब उनकी जो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं या पुलिस है, मैं यहाँ पर आईजी सिंध से, आईजी कराची ऑपरेशनल से और डीजी रेंजर्स से, कोर कमांडर से, कोर कमांडर सिंध से, कोर कमांडर कराची से, वजीर आला सिंध से, गवर्नर सिंध से दरख्वास्त करूंगा कि तमाशा ना बनाएं सर अपना, प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूं कि पाकिस्तान के बारे में अगर मैं यहीं पर बरतानवी हुकूमत को खत लिख दूं कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, कि जब मैं यहां था, दुनिया जानती है कि 2012 के ऑपरेशन के बाद मैं किस तरह बचाता लंदन पहुंचा था, और उसके बाद मैं 2018 में पाकिस्तान गया, तो इस दौरान जितने कत्ल हुए, अरशद पप्पू का कत्ल, जिसकी मैंने हमेशा मुज़म्मत की है कि किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ना मेरा मजहब इजाजत देता है ना दुनिया का कानून परमिशन देता है, उसके लिए इंक्वायरी होनी चाहिए थी। लेकिन वो जो आईओ होते हैं पुलिस के, क्या कहते हैं, जो पुलिस डेस्क पे बैठते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, SHO मुतल्लिका थाने के, मुतल्लिका इलाके का SSP, DSP, उनको पूछा जाए कि जब एक बंदा वहां मौजूद ही नहीं था तो इंतकामी वायलेशन, इंतकामी कार्रवाई आप क्यों करते हैं, ये तो पॉलिटिकल वायलेशन है, मेरा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है उनकी तरफ से, कि एक बंदे को, अब मेरे बच्चे, मेरे दोस्त है बाप, मेरा छोटा सा कारोबार है जिनसे मैं मिलता हूँ, कम्युनिटी से, दोस्तों से, सब कहते हैं कि यार आप तो इश्तिहारी हैं जनाब। अब वो मजाकन कहें या वैसे ही कहें, अब ये गूगल जब तक दुनिया है कयामत रहेगी गूगल रहेगा, गूगल जब भी कोई सर्च करेगा तो मिस्टर हबीब जान एब्सकॉन्डर इश्तियारी, तो मैं ये अपना हक महफूज रखता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान पर मुकदमा दायर करूं, हुकूमत सिंध पर मैं मुकदमा दायर करूं हर जाने का, कंपनसेशन का, कि मेरी इज्जत क्यों, मेरी साख को क्यों तबाह किया जा रहा है, जबकि दुनिया जानती है कि हमने तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए, जब पूरा पाकिस्तान ऐवान सदर से लेकर ऐवान वजीर आजम, GHQ एस्टेब्लिशमेंट 90 के आगे सरब सजूद थी, लंदन में आके मिलते थे, तो हम तो वो लोग थे, वो सिपाही थे जिसे किसी ने भर्ती भी नहीं किया, हम खुद ही सिपाही बन गए, फौज की रेजिमेंट बन गए, और हमने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और माशी अब कराची को बचाया। अब इसके लिए बिल्कुल विकार मैं आपके तवज्जो से दरख्वास्त करूंगा कि अफ्रीका में एक प्रैक्टिस हुई है, ट्रुथ रिकंसिलेशन कमीशन, जब नेशनल मंडेला ने इख्तदार संभाला तो उसने कहा कि क्राइम जराइम बहुत हुए हैं अफ्रीका में, तो क्यों ना कमीशन बनाकर सबको बुलाया जाए, वो गिल्टी प्लीड करें, जो इनोसेंट है वो अपनी बात करें, उसके बाद रियासत फैसला करेगी। अब हबीब जान पॉलिटिकल हवाले से 40 साल की मेरी जद्दोजहद,
2008 का इलेक्शन लड़ा, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के हम बहुत करीब, सियासत में सब जानते हैं, जियाउलहक से लेकर जाम शादी के दौर तक कोई एफआईआर नहीं कटी हम पर। इसका मतलब कि हबीब जान कलम का मजदूर था, कलम का सियासी वर्कर था, लेकिन इन हुकूमतों ने अल्ताफ की इमा पर, अब अल्ताफ पे हो सकता है रॉ की इमा पर, मैं तो कहूंगा हिंदुस्तान की इमा पर, अल्ताफ उसका एजेंट हलफ याफ्ता, अल्ताफ के हलफ याफ्ता रहमान मलिक, अल्ताफ के हलफ याफ्ता नबील गबोर और उस वक्त की हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने हमें इसलिए रोका कि हम कराची का मुकदमा न लड़ें, क्योंकि ये कराची तोड़ना चाहते थे, पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे, माशरियत को। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि काश मशरकी पाकिस्तान में कोई हबीब जान होता, कोई उजर बलोच होता, कोई लियारी का जफर बलोच होता, या कोई मनशियात फरोश ही होते, आप मनशियात फरोश कह लो, वी डोंट माइंड, कम अज कम बांग्लादेश तो ना बनता। तो हमने एक नए बांग्लादेश की राह में रुकावट डाली थी, जिसका सिला हमें ये रियासत ये दे रही है। तो ये एक्स काउंटर उस जज को भी चाहिए कि जज कहे कि इंक्वायरी करो, सोशल मीडिया हर कोई देखता है, पिछले 5-6 दिन में बड़ा हाइप क्रिएट हुआ था। तो मैं मोहसिन जज साहब से कि अगर आपकी तोहीन ना हो, तोहीन अदालत ना हो, खुदा भले मुझसे नाराज हो जाए, मेरे जज नाराज ना हो, तो मैं पूछना चाहूंगा कि सर जरा पूछ लें उस आईओ को कि भाई 10 हबीब जान था या नहीं था। और आप इस तरह की बातें करेंगे तो वकला तो ये कहते हैं कि जस्ट, अब यहाँ के वकला अंग्रेज भी हैं पाकिस्तानी भी हैं, अब अंग्रेज वकला को मैंने ले लिया वकार, तो यहाँ होता है नो विन नो फी, कि आप जीते तो कोई पैसे लेंगे, हार गए तो कोई पैसे नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फरीद बना दूं इस वक्त हुकूमत सिंध को, तो तमाशा मेरे मुल्क का बनेगा। मैं यहाँ फरीद बनाऊं पाकिस्तान को, तो तमाशा मेरे मुल्क का बनेगा। तो मैं इसलिए कहता हूं कि तमाशा ना बनाओ, इंसाफ दो लोगों को। अभी जन साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आपकी आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, क्या अदालत में आप नजर थानी की पटिशन फाइल करेंगे, या आप पाकिस्तान मतलब आपका क्या हिकमत अमली आइंदा के लिए? ऑलरेडी मैं इसको पोस्ट कर चुका हूँ 2 मरतबा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की हाई प्रोफाइल अदालतों को, मैं लिख चुका हूँ, 1 साल में वहां रहा हूँ। मेरे लॉयर बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब ने मेरी बेल पी फॉर अरेस्ट करवाई थी, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अचानक क्या हो गया, सिर्फ 4 दिन हमने सच बोला, आप सच सुन नहीं सकते? थोड़ा हौसला पैदा करें। ये सिंध हुकूमत, ये सियासी हुकूमतें जो हैं बौखला गई हैं, जो सूरताल बनी है बारिशों में, जो नाले भरे हैं, और मेरा शहर कराची हो या लाहौर हो, वो वीनस का मुजाहरा कर रहा है। वीनस एक इटली का शहर है, तो पानी में ही रहता है, तो वहां पे गाड़ियां तैर रही हैं, कश्तियां तैर रही हैं, लोग करंट से मर रहे हैं, ये अपनी नाहेलियों को छुपाने के लिए उजैर बलोच में छुपना चाहते हैं, हबीब जान के पीछे छुपना चाहते हैं। अब देखे ना, उजैर बलोच बोले कुलभूषण, अयान अली तो बोले उजैर बलोच, अयान अली की बात आए तो आप कहते हैं उजैर बलोच, कुलभूषण की बात आए तो उजैर बलोच, करप्शन की बात है तो उजैर बलोच, यानी कि आपके पास कुछ करने को बचा ही नहीं है, उजैर बलोच की दीवार के पीछे छुपना चाहते हैं। अब आपने एक नया नाम क्रिएट किया, हबीब जान मफरू इश्तियारी, मफरू इश्तियारी, तो खुदा का खौफ करें। और फिर मैं कहता हूं कि मैं शायद ये बात तरन्नुम में कहूं कि ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा, कल तुमने भी भुगतना है इन अदालतों को, चाहे वो सिंध के वजीर आला हो या गवर्नर सिंह हो या इमरान खान हो, ये रियासत के अंदर जो ये रियासत से बारिश हो रही है, शहर का सूरत हाल आपके सामने है, कराची सिटी अलायंस हुकूमत सिंध की बकौल आपके कि ये नाकाम हो चुकी है, ये इसकी कारकर्दगी के खिलाफ मतलब जो आप मुतमईन नहीं है, तो आप इसके खिलाफ कराची सिटी अलायंस कोई आवाज क्यों नहीं बुलंद करता बाकायदा तरीके से, कोई मतलब ये इसके खिलाफ जद्दोजहद का आगाज क्यों नहीं किया जा रहा, क्या वजह है आपके? मेरी बात हुई विकार, बड़ा गुड क्वेश्चन सवाल किया आपने, रिलेवेंट था, मैं इससे पहले बात नहीं करना चाह रहा था, अब आपने बात कर ही दी है। तो हमारी ख्वाहिश है कि कराची के मेयर का इलेक्शन बराह रास्त हो, जिस तरह इंग्लैंड में होता है। अब देखे ना, बराह रास्त इलेक्शन था तो एक काबिल इंसान जिसको लोग एशियन कहते हैं, ब्लैक कलर, पाकिस्तानी, लेकिन लोगों ने वन मैन वन वोट, बराह रास्त इलेक्शन में अंग्रेजों ने, गौरों ने, यहूदियों ने एक मुसलमान मेयर का इंतखाब किया, और वो मेयर को करीबन करीबन उसका वक्त खत्म होने वाला है। कोरोना के होते हुए उस मेयर ने जिस तरह मैनेज किया, तो ये हुआ कि बराह रास्त अगर इलेक्शन होगा तो कराची तरक्की करेगा, और सिटी अलायंस की हमेशा यही डिमांड रही थी। और अब हम प्लान कर रहे हैं कि कराची की सूरत हाल में जो अब हुई है इस बरसात के बाद, और हमने 4 महीने पहले कहा था कि मानसून आने वाला है, तैयारी करो, लेकिन ये फेल हुए।
तो हम कोशिश करेंगे, मेरा रहता है दोस्तों के साथ कि सिटी अलायंस को बल्दियाती इलेक्शन में इन्वॉल्व किया जाए, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कराची मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, वो हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि कराची का रहने वाला उर्दू बोलने वाला हो, बलोच हो, पठान हो, पंजाबी हो, सराकी हो, या किसी भी कम्युनिटी का हो, वो सभी चाहते हैं कराची तरक्की करे। और यकीन करें विकार, मेरे पास, मेरी बात सुन लें, लेट मी फिनिश, हमारे पास ऐसे प्रपोजल्स हैं कि कराची 70% से ज्यादा रेवेन्यू दे सकता है, 210% रेवेन्यू दे सकता है, कराची में बहुत कुछ है, लेकिन कराची की जमीन को चाइना कटिंग किया गया, कराची की फैक्ट्रियों को बंद करवाया गया, कराची की फैक्ट्री को जलवाया गया। आज हमारे नौजवान, हर कम्युनिटी के लोग, उर्दू बोलने वाले, पंजाबी, बलोच, सिंधी, उबर टैक्सी भी चलाते हैं। अगर ये बैंक टैक्सी की जगह छोटे छोटे कारखानों के लोन देना शुरू कर दें, ये सिंध बैंक ओमनी ग्रुप की जगह आम आदमी को लोन दे, आपको लोन दे, मुझे लोन दे, लालू खेत के बंदों को लोन दे, गोली मार के बंदों को लोन दे, तो हमारी हैंडीक्राफ्ट की मार्केट, हमारी लियाकताबाद का पूरा कॉटेज इंडस्ट्री, गोली मार का कॉटेज इंडस्ट्री, पाक कॉलोनी का जो वो है मार्बल ऑनेक्स वगैरह, औरंगी में जो लोग साड़ियां बनाते हैं, क्या कहते हैं, एम्ब्रॉयडरी के कपड़े बनाते हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री को अगर सिंध बैंक या जरदारी के लोगों को या चहितों को लोन ना देता, इन गरीबों को लोन देता, और ये इस टैक्सी स्कीम की जगह जो जो लीजिंग कंपनी है वो छोटे छोटे कारखानों की लोन दे, तो हम खुद कफील हो सकते हैं। देखे ना, मैं हमारे हमारे लोग कितने अजीम है, सैलाब है, यकीनन आपके पास यकीन, जलजले हैं, सैलाब है, लेकिन हर साल मवेशी आते हैं कुर्बानी के लिए, लोग भूखे रहते हैं, लोग जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपनी गायें, अपने बैल, अपने बकरे, अपने दुम्बे लेकर आते हैं, बेचते हैं, तो ते क्या हुआ, आज तक कभी ये नहीं हुआ कि सैलाब की वजह से या बारिशों की वजह से बकरे पर जानवर ना आया हो, माशाल्लाह मंडियां भरी हुई होती हैं, तो हमारे लोगों में तो करंट है, लेकिन हमारे हुक्मरान और हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो उस करंट को उन्हीं तक महदूद करती है, वो चोरों को पकड़ो, उससे माल निकालो, गरीबों को दो। इमरान खान ने कहा कि 1 करोड़ नौकरी, ओ भाई किधर है तुम्हारी नौकरियां, 50 लाख मकान बनाएंगे, अभी कहां है, 2 साल तो गुजर गए, आपके पास मजबूत प्रपोजल से हमें आगाही दी है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कराची सिटी अलायंस, जिस तरीके से अभी आप कह रहे हैं बल्दियाती जो है कि इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे, मौजूदा मेयर कराची तो ये कहते हैं इख्तियारात का ना होने का रोना रोते हैं, तो आप क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में मेयरशिप को कबूल करते हैं, क्या आपके लिए काबिल कबूल होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरपरस्ती में कि ये मेयर के इंतखाबात हों, आप कैसा रहेगा? ये बल्दियात बराह रास्त इलेक्शन होने चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरपरस्ती में नहीं होने चाहिए। और ये मेयर साहब जो रोनर होते हैं, ये बकवास करते हैं, इनके पास अपने वसाइल तो हैं अपनी जिंदगी को शाना गुजारने के लिए। हम लियारी वालों ने फराम करना, अगर सूबाई हुकूमत फंड फराम नहीं करती तो आपका मेयर भी यकीनी तौर पर अगर कोई आता है ऐसा मुस्तकबिल में, तो वो भी मतलब उसके साथ क्या सूरत हाल होगी अगर फंड नहीं मिलते सूबाई हुकूमत की तरफ से आपको? कराची में फंड बहुत है, सूबाई हुकूमत टक्कर ना दे, मरकज टक्कर ना दे, कराची के पास खुद इतना पैसा है, जो शहर पूरे कोरोना में दुनिया रो रही है, कराची ने पूरे शहर को संभाल के रखा हुआ है, वहाँ चैरिटी भी है, वहाँ वेलफेयर फंड्स भी हैं, लोग देना चाहते हैं, कराची के जो ताजिर हैं उनसे मदद ले ली जाती तो कराची के ताजिर जो हैं वो कराची को जगमग कर देते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माजी में चाइना कटिंग होती रही और अब भी किसी ना किसी सूरत में होती रही है, तो इन्होंने अपने तो महल बना लिए संगे मरमर के, इन्हें शर्म आनी चाहिए, जब अपने महल से ये बाहर निकलते हैं तो इन्हें कचरा नजर आता है, जिसको ये पुरानी मानते हैं, यहाँ इंग्लैंड में अगर आप कचरा फेंकें तो आप पे 100 पाउंड का जुर्माना लग जाता है, तो मसला तो ये कि ये अपने संगे मरमर के महलों में रहना चाहते हैं, आवाम की नहीं फिक्र। अभी भाई आपके लिए, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक आम रहनुमा रह चुके हैं, क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने किनारे और मौजूदा पीपल्स पार्टी से आप कि उसकी कारकर्दगी से कितना मुतमईन, और जैलों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं बुनियादी उनके लिए आपका क्या पैगाम, क्या वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपने इतनी दूरी इख्तियार कर ली, क्या बुनियादी वजह है? देखिए सर विकार, पहले पीपल्स पार्टी थी, एबिलिटी कैपेबिलिटी पर चल रही थी, आज की पीपल्स पार्टी ने अपना भुट्टो दीवार पर टांग दिया, कल की पीपल्स पार्टी में भुट्टो लोगों के दिलों में था, आज की पीपल्स पार्टी नौकरियां फरोख करती है, कल की पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो साहबा लोगों को नौकरियां दिया करती थी और उसी पर उन पर मुकदमे चलते थे नौकरियां देने पर,
आज मुकदमे चल रहे हैं करप्शन करने पर, तो फर्क देखें आप, कल के मुकदमे थे जहांगीर बदर पर, शहीद बीबी पर और वज़रा पर नौकरियां देने पर, आज के मुकदमे कायम है करप्शन करने पर, तो ये फर्क है। तो जिस दिन हम पीपल्स पार्टी को समझेंगे कि फिर उसका भुट्टो दीवार से उतर कर लोगों के दिल में आ गया, तो पीपल्स पार्टी हमारी थी और है और रहेगी। कोई मायका लाल पीपल्स पार्टी से हमें खत्म नहीं कर सकता, लेकिन मौजूदा पीपल्स पार्टी, ये शर्जिल की पीपल्स पार्टी है, ये डॉक्टर आसिम की पीपल्स पार्टी है, ये रहमान मलिक की पीपल्स पार्टी है, तो ऐसी पीपल्स पार्टी में हम क्या रहेंगे। और हाँ, एक बंदा और जिसका नाम है मुजफ्फर टप्पी की पीपल्स पार्टी है। पहले की पीपल्स पार्टी लियारी वालों की थी, मलिर वालों की थी, लाहौर वालों की थी, लाड़काना वालों की थी, पेशावर की थी, बलूचिस्तान की थी। पहले की पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर थी, आज की पीपल्स पार्टी लाड़काना और नवाबशाह की है। तो ये फर्क है ना सर। तो बताएं कि एक ये जिस दिन बीबी के साथ सियासत, बिल्कुल आप सही कह, क्या वजह है आखिर ये मुजफ्फर टप्पी का आप नाम ले रहे हैं, शर्जील मेमन का नाम ले रहे हैं, डॉक्टर आसिम का नाम ले रहे हैं, इस तरह के लोगों ने क्या पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हाईजैक कर लिया है क्या? हमारे जो आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, जो को चेयरमैन है, उनको नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने खुदा न खास आंखें बंद कर रखी है? ये विकार पाकिस्तान की सियासत अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से डाइवर्ट हो गई, खिदमत से तिजारत पर चली गई। हर पीपल, हर पॉलिटिकल पार्टी का यही हाल है। अब पीटीआई को देख लें, जुल्फी बुखारी या किसी मुजाहरे में नहीं था लंदन में, उनके कारकुन कहते हैं कि यार ये आया बंदा कहां से। तो अब दोस्ती ये मयार है, खुशामद ये मयार है, दरबारगिरी ये मयार है, आप अपने लीडर की कितनी बड़ी दावत कर सकते हैं ये मयार है। तो आज की पीपल्स पार्टी या आज की तहरीक इंसाफ या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां सब यही है। आपने भी देखा होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ रहनुमा बैठे हैं अमरीका में, एक गुलूकार गा रहा है, डांस हो रहा है, क्या क्या होता है। तो मसला है कि अब पॉलिटिकल, अब ये कारकुनों को समझना होगा, जो ग्रास रूट का वर्कर है उसे अपने आप को देखना होगा कि क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का ईंधन बनते हैं या अपने इलाके की तहफ्फुज के लिए अपने अंदर से कयादत पैदा करते हैं। और मैं इस यहाँ पर फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त करूंगा कि माजी के तजुर्बे सारे नाकाम हुए हैं। आपने अल्ताफ पे हाथ रख के देखा आज वो पाकिस्तान की जड़ें काट रहा है, और आपने और लोगों पे भी हाथ रख के देखा। आप ओपन फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं, खुदा की कसम मैं समझता हूं ये सोशल मीडिया, गूगल भाषा, ये व्हाट्सएप, ये फेसबुक, ये ट्विटर वगैरह, ये ऐसा इंकलाब बर्पा करेंगे। आप लोगों को मौका दें, आम आदमी को मौका दें। अब देखें, जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएट उर्दू बोलने वाला आप टैक्सी चलाने पर दिली तौर पर राजी हो गया है। पहले वो टैक्सी अमरीका में चलाता था, लंदन में चलाता था, अब वो कराची में भी चलाता है। मैंने बैंकों के मैनेजरों को देखा है जो लीजिंग पर टैक्सियां लेकर चंडीगढ़ रोड से लेकर गुलशन इकबाल तक लोगों को पिक एंड ड्रॉप करते हैं। तो जहनी तौर पर लोग तैयार हुए हैं, हमारे लोग बहुत जबरदस्त एनर्जेटिक लोग हैं, लेकिन ऊपर की जो हमारी फैसला साज कुवतें हैं वो जो है वो तीन तीन साल का, एक एक साल का प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर आगे से बोलते हैं। अगर वो पंजाबी तो बोलता है सानुखी, उर्दू बोलता है तो भाई जन्नत में डाल मियां, वो प्रणाम होता है बोलता है दमा डाल। तो ये जब तक ये चीजों को आप खत्म नहीं करेंगे, पॉलिसियों का तसलसल, इंग्लैंड को देखें, अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, उनकी तरक्की का राज क्या है? पॉलिसियों का तसलसल। अगर आप मारें गोली इंग्लैंड को, अमेरिका को, यूरोप को, आप तुर्की को देख लें, अर्दोगान है जो, पॉलिसियों का तसलसल इंसान की तरक्की में इंकलाब बर्पा करता है, गरीब की जिंदगी खुशहाल होती है, गरीब को आपने मरने पर छोड़ दिया। आपने सही कहा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, जे यू आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातें, हिजब इख्तलाफ की जितनी भी जमातें हैं वो यकजान हो रही हैं, इकट्ठे हो रही हैं हुकूमत के खिलाफ। और आप ये क्या समझते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होंगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा देगी? मौजूदा हिजब इख्तलाफ वो जो सर जोड़ कर बैठ रहे हैं वो किस हद तक कामयाब होंगे? बातें कुछ जो ये बड़े क्लियर है मैसेज कि वो एक पेज के, पहले तो जमहूरियत को और फौज को एक पेज पे नहीं होना चाहिए, ये दुख की बात है। हमारे यहाँ एक पेज पे होना बड़ा खुश महसूस करते हैं कि हम एक पेज पर है। सियासत हमेशा कुछ देती है, खिदमत करती है। अब लगता है मौलाना को भी इल्म हो गया और ज़रदारी को भी इल्म है और मियां साहब को भी इल्म है कि फौज और मौजूदा पोलिटिकल क्यादत एक पेज पर नजर नहीं। और अगर मजीद देरी हो गई, अपोजिशन ठीक है अच्छा कर रही है,
तो ये इमरान खान पाकिस्तान का पट्टा बिठा देगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल माशी तौर पर हम माइनस चले गए, हमारी ग्रोथ माइनस हो गई है। अब जिस मुल्क का वजीर खजाना 25,000 रुपए का अकाउंट बैलेंस रखता हो पाकिस्तानी पैसों का, तो उसके पास आप क्या खैर की उम्मीद रख सकते हैं। अब जिस वजीर आजम का माउंट कल किसी एंकर ने कहा कि वो लेवल भी नहीं है, नहीं मैट्रिक भी नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो तमाम शोबों का इंचार्ज है, तो हम रो ही सकते हैं। इस वक्त जो भी पॉलिटिकल लोग हैं तमाम पार्टीज के, वो अपनी जात का सोच रहे हैं, अपने घर की रोटी का सोच रहे हैं, हालांकि उनको हर चीज फ्री थी, बिजली के बिल भी, खाना पीना, मतलब लगाए लंगर, दे मौला तो खाए बंदे वाली बात है, गरीब का मसला बना हुआ है। और ये अगर ये मजीद ये हालात रहे खुदा ना खास्ता, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी जो इनकलाब बर्पा करेगा और जो हालात होंगे अल्लाह उस पर रहम करे। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त लोग मुंतशर हैं, कोई सिंधी बना हुआ है, कोई माजिद बना हुआ है, कोई बलोच बना हुआ है, कोई पठान बना हुआ है, कोई क्रिश्चियन बना हुआ है, कोई क्या बना हुआ है। जिस दिन ये मुतहद हो गए ना मुतहद, तो इनके खाले उतार लेंगे ये लोग। ये हालात हैं पाकिस्तान की सूरत हाल। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि गरीब एक हो जाए, वो एक कहावत है ना कि चिड़ियां आपस में इतिहाद कर लें, तो अगर हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख़्तिलाफ़ की सियासी जमातें पीछे पड़ गई हैं और वो कह रही हैं कि हम हुकूमत गिराओ तहरीक को जो है कि दवाम बख्शेंगे, अगर ऐसा होता है मौजूदा हुकूमत चली जाती है तो क्या अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती, तो क्या पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा पैगाम होगा? क्या ऐसा दुरुस्त नहीं है कि इन हाउस तब्दीली कर दी जाए? आपकी नज़र में आप इन हाउस तब्दीली के हामी हैं या नहीं, आप इस पर थोड़ा नजरसानी करें। विकार देखें, मैं ये बात कहता हूँ कि आप कोई भी निज़ाम ले आए, सदारती हो, जमहूरी हो, या इवन मार्शल्ला ले आए, इवन आप कोई और निज़ाम ले आए, गरीब की झोपड़ी जो है ना वो महफूज रहे। और मैं नहीं समझता कि इन हाउस तब्दीली हो या कोई और तब्दीली हो, लेकिन तब्दीली लाने से पहले मैं तब्दीली लाने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदा के वास्ते अपना होमवर्क मुकम्मल करें और कम अज कम 20 से 30 साल की मनसूबाबंदी करें। और फिर कोई भी बंदा रहे, 30 साल रहे यार, हमें इतराज नहीं है, अब हम थक गए जमहूरियत से भी, इनकी करप्शन से भी, लेकिन आम आदमी का भला हो, रोजगार, जिंदगी का रोजगार चले, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि 21वीं सदी का ये कोरोना के बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो हम देख रहे हैं ये बाहर बैठकर, वो बड़ी खतरनाक होगी। ये अब माशी जंग शुरू होगी, चाइना अमरीका आमने सामने वैसे ही आ गए, और हमारे पास हमारी एक्सपोर्ट से चावल और कॉटन के अलावा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश और चाइना का जो इतिहाद हुआ है वो आपको समझ लेना चाहिए कि बांग्लादेश और चाइना कितने करीब जा रहे हैं। इस वक्त इंग्लैंड में 12 दुकानों को विजिट करें आप, तो एक दुकान में कोई पाकिस्तान की चीज मिल जाए, 11 दुकानों पर मेड इन बांग्लादेश की चीज मिलेगी। अब चाइना के बाद तो और बांग्लादेश मजबूत होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है आपका फ्रोजन आइटम, आपकी फिश प्रोडक्ट, जिस मुल्क की 20 साल से मछली की बरामद बंद हो, 20 साल से मछली की बरामद बंद हो, आपकी मछली यूरोप नहीं जा सकती, अमेरिका नहीं जा सकती, इतना बड़ा समंदर 1400 माइल पर, मछली कुदरत का तोहफा है, कुदरत के एक नेचुरल फॉरेन एक्सचेंज है आपको, वो मुल्क अब ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हम इंकलाब ले आएंगे, वो भाई फिश का काम क्यों नहीं करते, हलाल फूड का काम क्यों नहीं करते, 5 घंटे की फ्लाइट पर पूरी दुनिया आपका माल लेने के लिए तैयार बैठी हुई है। जो गरीब मजदूर किसान हारी बकरे पे इतने जानवर ले आते हैं, वो जानवर आपकी मार्केटें पूरी कर दें, आप Alibaba.com से क्यों रابطہ नहीं करते, चाइना से फायदा क्यों नहीं उठाते, आपका जहन वही गरीबी वाला है कि मोटरवे बनेगा, सीपेक बनेगा, एक चाय का छापड़ा खोलेंगे और एक टायर के पंक्चर की दुकान खोलेंगे। इनको इससे बड़ी सोच नहीं है, क्योंकि इनके सारे अकाउंट इंग्लैंड में है, इनके सारे अकाउंट अमेरिका में है। अब पूछे ना जो मशीनों की जो खबर आई, 25,000 हफीज शेख के कराची के अकाउंट में, बाकी सारा माल दुबई में, लंदन में, सारा माल डब्बे में, जुल्फी बुखारी का माल सारा इंग्लैंड में। तो जब वो पैसा वहां नहीं लगेगा तो तरक्की कैसे होगी? हलाल 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 फूड जो है ना, हलाल पोल्ट्री, हलाल मीट, आप मिसबा खाने खोलें, चाइना से मशीनरी इंपोर्ट करें Alibaba के जरिए, और सिंध बैंक, पंजाब बैंक, नेशनल बैंक लोगों को लोन दें, तो ये जो है ना हमारे कसाई, हमारी कसाई बरादरी,
वो दुनिया को हलाल गोश्त सप्लाई करना शुरू कर दे। लेकिन इतनी अकल इनके पास है, अकल ये नहीं है कि अकल नहीं, लेकिन ये सब शैतान लोग हैं, ये सिर्फ अपनी जात के अलावा आगे सोचते नहीं। आप आ जाए फ्रूट में, हमारा फ्रूट इस वक्त मैंगो जो है ना, मैंगो हमारा लाखों टन जाया हो रहा है। इंडिया फिल्म बनाता है, फिल्म का डब्बा वो यहाँ एक्सपोर्ट करता है, हमारा जो फिल्म पे वहां जाया हो जाता है। अगर मैंगो का फिल्म, फिल्म कहते हैं अंदर का गुदा, गुदा उसके डब्बों में पैकिंग शुरू करके ये भेजे अगर, तो ये बड़ी बात है। एक फैक्ट्री है सीजान, नाम सुना होगा आपने सीजान, वो ये कंपनी काम कर रही है, और हम मुसलमान क्या करते हैं, दुश्मनी अपनी जगह से ही, बोले वो तो कादियानी की फैक्ट्री है, वो भाई तुम उसी को फॉलो कर लो, मुसलमान की भी तो तुम बना लो। लाखों टन मैंगो जाया होता है, हजारों टन हमारा टमाटो पलम जाया होता है, कोई फ्रोजन काम नहीं हो रहा हमारे यहाँ, कोई टीन की फूड की फैक्ट्री नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ राइस, राइस चावल या फिर क्या कहते हैं अपना ये कॉटन। माजी पे हम पे इल्जाम था कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तालिबान, अल्लाह का शुक्र है रायल शरीफ का, अल्लाह भला करे, तो वो कहानी तो खत्म हुई। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, हैंग करांगे हुंज करांगे, वो आपने तो कुछ नहीं किया सिवाय बर्बादी के। आपके मुशीर देख लें, आपके वजीर देख लें, आप अपने आप को देख लें, कोई एक कारखाना लगाओ। अच्छा इसी तरह मेरा सवाल है जरदारी साहब से भी और अल्ताफ हुसैन के लोगों से भी कि कराची के मालिक थे, कोई एक फैक्ट्री आपने लगाई, आपने तो फैक्ट्री जलाई, हमें मौका मिला 12 महीने में, हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई लियारी में, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है जाके देख सकते हैं, लियारी यूनिवर्सिटी को हमने यकीनी सूरत हाल में तब्दील किया बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम पर। पैसे दिए जरदारी साहब ने, बड़ी मेहरबानी, पैसे तो उन्होंने नवाब शाह को भी दिए थे, लाड़कानों को भी दिए थे, लेकिन काम सिर्फ लियारी के लोगों ने किया। उजैर पे अगर इल्जाम लगाना है तो ये लगाओ कि उजैर लियारी के पैसे खा गया, ताकि आपको शर्मिंदगी हो कि उजैर ने या उजैर की टीम ने, जिसको आप बदमाश कहते हैं, गैंगवार कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो पैसा लगा हमारी सड़कें। आज पूरा शहर डूबा हुआ है विकार आपका, सिवाय लियारी के, कि लियारी के नाले हमने साफ करवाए थे, हमने अल्लाह बख्शे खाली जुमा मरून को और रहमान को, जिसको लोग डकैत कहते थे, 5 करोड़ से हमने नाले साफ करवाए थे, जो पाकिस्तान बनने से 2010 तक साफ नहीं हुए थे, हमने करवाए थे। आज लियारी का भी विजिट मारे, पानी नहीं खड़ा, पानी शहर में खड़ा है, जो शहर के ठेकेदार थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी या एमकेएम थी। तो वकार मैं ये कहता हूं आपके तवस्सुस से कि पाकिस्तान का शहर कराची हमें ठेके पे दे दो 6 महीने के लिए, और 3 महीने में रिजल्ट ना दिया तो हमें फांसी पे चढ़ा देना। कराची 6 महीने के लिए ठेके पे दे दो, रिजल्ट 3 महीने में दे देंगे, ये इमरान खान का वादा नहीं, 100 दिन वाला पॉलिटिकल पार्टी का, हमारी वादा है के लोगों रखने वाले लोग हैं वो यकीनन इस बात पर नजर थानी करेंगे। आपने बहुत बड़ी बात कही हबीब जान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम अपने खत्म को पहुंचता है, आइंदा तक के प्रोग्राम के लिए अपने मेजबान वकार हुसैन को दीजिए इजाजत।